थैंक यू सो मच गोविंद भक्ति रंजन पोदार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव पर। बहुत खुश हूँ और जरूर आपको भी बहुत मजा आएगा इस लाइव सेगमेंट पे और क्रिकेट वाणी पे। और एक बार आपका ग्रैंड वेलकम और नमस्कार मेरे तरफ से। नमस्कार। बहुत सारे सवाल का पिटारा है मेरे पास, लेकिन आप उड़ीसा क्रिकेट को बहुत कुछ दिए हैं। मतलब वो रीढ़ का हड्डी हम मानते हैं जब उड़ीसा क्रिकेट पे गोविंद पोदार का नाम आता है। थोड़ा सा आपके बारे में हमारे जो क्रिकेट प्रेमी है उनको बताना चाहूंगा, क्या क्या आपने हासिल किया है, आपके जो आंकड़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे, क्या आपने अचीव किया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद पोदार। सन सितंबर 1991 पे इनका जन्म हुआ था, 1991 पे इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने उड़ीसा क्रिकेट पे मतलब वो बेताज बादशाह के जैसा बाजी मात किए हैं। डेब्यू मैच आपका था बड़ौदा के सामने और आपने उस मैच पे सेंचुरी जड़ा था उड़ीसा के लिए। मतलब एक अलग कहानी आपने लिखा था, पहला डेब्यू मैच पे शतक। फर्स्ट क्लास कैरियर को जब हम उठाकर देखते हैं, रणजी ट्रॉफी पे आपने क्या क्या किए हैं, 73 मैचेस, 3472 रन, 225 आपका हाई स्कोर, लगभग 31 के करीब आपका एवरेज, 7 शतक आप जड़ चुके हैं और 16 हाफ सेंचुरी। और जब हम लिस्ट ए के कैरियर के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं, 57 मैचेस, 1822 रन, 136 का एवरेज और लगभग 36 के करीब आप माफी चाहूंगा 136 आपका जो शतक है हाई स्कोर, और लगभग 36 का आपका एवरेज लेकर आप ओडीआई क्रिकेट पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 शतक आप जड़ चुके हैं, 12 हाफ सेंचुरी आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। और जब T20 के ऊपर हम नजर डालेंगे, 44 मुकाबला, 1171 रन, और निश्चित तौर पर 64 आपका हाई स्कोर है और लगभग 30 का आपका एवरेज और 126 का स्ट्राइक रेट और 7 हाफ सेंचुरी आप जड़ चुके हैं। और गेंदबाज भी आप कमाल का है और गेंदबाजी पे आपने बहुत सारे विकेट चटका चुके हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई क्लियर कीजिए, आपका घर कहाँ पे है, और उसके बाद हम सवाल का जो सिलसिला है उसका शुरुआत करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मैं बिलोंग करता हूँ राउरकेला से, एंड पास्ट 10 ईयर्स हो गया मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ बिकॉज ऑफ जॉब। एंड एवरी वीकेंड पे घर आना जाना करते हैं, वहाँ पे एक एकेडमी भी है, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता हूँ सही स्पोर्टिंग में। बस ऐसे चल चल रहा है सिलसिला लास्ट 10 साल से। जी, इसलिए तो कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। आपने वो हौसला को तबज कर रखा, पकड़ कर रखा, जिसके वजह से आपने उड़ान भरा। RYCC राउरकेला क्लब के लिए आपका बहुत अवदान है और बतौर क्रिकेटर आपने शुरुआत किया था, अभी भी आप उस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। NCA के लिए आप मुकाबला खेल चुके हैं, ब्रॉड प्रेसिडेंट 11 के लिए आपने मैचेस खेल चुके हैं। लगभग जैसे बताया जाता है कि इंडिया खेलने का बिल्कुल आपने दावेदारी पेश किया था BCCI के सामने, लेकिन करंट रणजी कैप्टन तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। पहला सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, ये जो क्रिकेट का सिलसिला शुरुआत हुआ था, कब आपने सोचा कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट को अपनी पैशन और प्रोफेशनल भी बनाना है, कैसे शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। इनिशियल ये तो बहुत पहले की बात है, अराउंड 2004-05 साल पुराना बात है। मतलब प्रोफेशनली बोले हो तो 2005 से चालू किया खेलना। उससे पहले बाकी जैसे गली क्रिकेट में हम हीरो थे, हमारे जो भी ग्रुप था हम खेलते थे वैसे घूम घूम के। और हमारा स्कूल का एक टीम था, मतलब टेनिस बॉल घूम घूम के खेलेंगे हम, 8 जन 9 जन थे हम लोग, 8 जन 9 जन का ही टीम रहता था, 11 का नहीं रहता था। एंड फाइव फाइव के हम लोग 50-50 रुपए के मैचेस खेलते थे। ऐसे खेल खेल के 2005 से मैं सीरियस क्रिकेट खेलना चालू किया। वो भी मेरे को
मेरे को पता नहीं था कि राउरकेला में ऐसा है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ बसंती कॉलोनी में, वहां से हमारा राउरकेला स्टील प्लांट का जो स्टेडियम है वो कुछ 9-10 किलोमीटर दूर है, वहां पे प्रैक्टिस होता था। मेरे को पता ही नहीं कि राउरकेला में क्रिकेट सीखा भी जाता है, खेलते हैं, जो एज ए कैरियर उसको ले सकते हैं, वैसा प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट प्रैक्टिस होता भी है, मेरे को पता नहीं था। एंड आज के डेट में जो करेंट हमारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, स्टार है, चिन्मय श्रीचंदन, काफी सारे उनके फिल्म भी आए हैं, वो भैया मेरे से बहुत क्लोज हैं। एक बार मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, डीएवी ग्राउंड, वहां पे मैं सवेरे जब गया तो मैं जाके वहां देखा एक लड़का टेनिस बॉल लेके टारगेट बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, कि कोई नहीं है, एक सीमेंट पिच में एक तो टोपी रख दी है, वहां पे जाके आप बॉल डाल रहे हैं, एंड ये क्या कर रहे हैं। तो ये सब होने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। डिस्टर्ब, हेलो, सही आ रहा है मेरा आवाज आपके पास? आपका आवाज आ रहा है, हाँ अभी ठीक। तो उसके बाद मैं उनसे पूछने के बाद वो मेरे से मेरा नाम पूछे, फिर मैं बोला मैं यहाँ रहता हूँ, वो मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा मैं टारगेट बॉलिंग कर रहा हूँ एंड ऑल, एंड तो मेरे को पूछे तुम क्या करते हो, तो मैं पूछा मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। उसके बाद हमें वहां पे एक टेनिस बॉल का मैच खेलना था, हमें उसी जहां पे वो टारगेट बॉलिंग कर रहे थे उनको हम रिक्वेस्ट किए कि भैया आप अगर यहाँ से हटेंगे तो हम खेलेंगे, तो भैया टारगेट बॉलिंग करने के बाद हटे, हम लोग मैच खेले, तो मैं और ध्यान दिया नहीं कि वो खड़े होके कहीं देख रहे थे, तो हम लोग खेले वहां पे, मेरे को शायद याद नहीं कुछ 30-40-35 रन या कुछ रन बनाया होगा वो। फिर बाद में मेरे को आके डेढ़ घंटे बाद आके पूछे कि तू अच्छा खेलता है और तू कहीं प्रैक्टिस करता है कि? मैं बोला भैया नहीं, प्रैक्टिस वो क्या होता है, तो मेरे को बोले सेक्टर 6 में जाओ, वहां पे स्टेडियम है, वहां सिखाते हैं, तू वहां जाके देखो सीखो। मैं बोला ठीक है एक बार देख लेंगे, घर में गया, मम्मी को बोला, मम्मी अलाउ कर दी, पापा से परमिशन नहीं ली, और मैं एक दिन गया सुबह 7 बजे, रात को आया 8 बजे। उस दिन मम्मी को बहुत डांट पड़ा पापा से कि कहाँ गया है छोटा बेटा, अभी तक खबर नहीं, कुछ नहीं। उस समय फोन भी उतना हमारे पास फोन नहीं था, घर में एक लैंडलाइन नहीं था, मोबाइल तब उस समय नहीं थे। देन डे बाय डे वहां जाने के बाद मैं देखा, फिर मेरा इतना दूर जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया कि कौन जाएगा इतना दूर साइकिल लेके, और क्योंकि मैं पहला एक सप्ताह गया मेरे को ना बैटिंग दिए ना बॉलिंग दिए कुछ नहीं दिए, खाली जाता था खड़ा होता था कुछ फील्डिंग करता था घूम के आता था, फिर मैं जाना छोड़ दिया। फिर एक महीने के बाद फिर से अचानक से कहां से इंटरेस्ट आया, मैं सोचा कि जाते हैं, सॉरी क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद तब समर वेकेशन चालू था और समर कोचिंग कैंप होता था, मैं बोला जाते हैं देखते हैं घूम फिर के आएंगे दोस्त लोगों के साथ जाएंगे, तो गया। उस समय भी फिर पहला एक महीना मेरे को कुछ नहीं मिला, उसके बाद धीरे 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 जब बारिश स्टार्ट होने वाला था तो आधे बच्चे जाना बंद कर दिए, क्योंकि उस समय करीब 250-300 जन आते थे प्रैक्टिस करने, तो बैटिंग बॉलिंग मिलना भी नहीं है किसी को। तो जब धीरे धीरे कमने लगा तो मैं देखा कि बच्चे कम रहे हैं, तो आज नहीं तो कल मेरा मौका मिलेगा, मेरे को एक आध दिन बैटिंग करने मिले। फिर जब धीरे धीरे बच्चे कमने लगे, जब बारिश स्टार्ट होने लगा बच्चे कमने लगे, देन धीरे धीरे फिर स्कूलिंग चालू हो गया, तो बस यही मेरा मेरे तरफ से एक अच्छा चीज यही था कि मैं रेगुलर जा रहा था और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, बिकॉज आफ्टर 1 मंथ या 1-1.5 महीने के बाद में वहां पे कुछ लोग सिखाने लगे, तो मैं कैच प्रैक्टिस करने लगा, फील्डिंग करने लगा, नॉकिंग प्रैक्टिस करने लगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ टेनिस बॉल से ज्यादा बेहतर ड्यूस बॉल में खेलना बेटर है, तो मेरे को लग रहा था कि वहां प्रैक्टिस करने से कुछ आएगा। तो जब थोड़ा रेगुलर होने लगा, जब स्कूल प्रॉपर चालू हो गया तो काफी जन कम गए, तो काफी जन कम गए तो थोड़ा तब रिकॉग्निशन मिलने लगा कि तब वहां पे जो सिखाते थे जो सीनियर प्लेयर थे जैसे नटराज बेहरा, आतिश जेना, आलोक प्रधान, जहांगीर खान, ये लोग तब रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ इस बच्चे का नाम ये है, तो मेरे को मेरे नाम से बुलाने लगे। देन मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि हाँ अब जो एक जगह का जो 20-25-30 जन होते हैं उनमें मैं आ गया, मैं अपने आप ही मानने लगा कि मैं आ गया हूँ। तो उस समय कुछ हो ना हो घर जाने से पहले 20 मिनट का बैटिंग करके तो मैं जाता था टर्फ ग्राउंड पे। फिर मेरे को सर हरमन प्रराज, एक्स
रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे, उड़ीसा के कैप्टन थे, वो हम लोगों को वहाँ गाइड करते थे, मेंटरिंग करते थे एट वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया सब राउरकेला स्टील प्लांट प्रोवाइड करता था सब कुछ उस समय जी। देन उस समय से ये सफर चालू हुआ और आज तक चल रहा है, होपफुली और चले जब तक मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ और मैं अच्छा खेल सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हमारा उम्मीद रहेगा, ये हमारा उम्मीद रहेगा कि आप आईपीएल पे जगह बनाए, आप इंडियन टीम पे जगह बनाए और उड़ीसा को और भी आप ऊपर की तरफ लेकर जाए। निश्चित तौर पर कहते हैं कि मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है। मुश्किल था आपके लिए जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे घर से दूर, फिर वहां से इंटरेस्ट अपने छोड़ दिया था, वो आशा उम्मीद को छोड़ दिया था, फिर अपने छलान लगाया, फिर मैदान पे गया, फिर अपने पसीना बहाया और वो जो चीज आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए था अब सब लोगों के सामने आपने दर्शाया है। थोड़ा सा बॉलिंग के आंकड़े के ऊपर नजर डालते हैं, अपने गेंदबाजी पे क्या हासिल किए हैं। जब आप फर्स्ट क्लास को कैरियर को उठाकर देखते हैं, 73 मुकाबला पे 43 विकेट और जो आपका बेस्ट फिगर है 7 विकेट लेकर आपने 102 रन दिए थे, और लिस्ट ए के कैरियर को जब उठाकर देखेंगे 57 मुकाबला पे 23 विकेट 4 विकेट लेकर 27 रन जो आपका बेस्ट फिगर, और T20 पे 44 मुकाबला पे 16 विकेट और 3 विकेट लेकर आपने 7 रन दिया था। बल्लेबाजी गेंदबाजी और अब भी एक उम्दा फील्डर है, एक थ्री डोमिनेशन प्लेयर का भूमिका कितना मुश्किल था आपके लिए? बॉलिंग आप अगर देखेंगे तो लास्ट 5-6 इयर्स हो रहा है मैं बॉलिंग सीरियसली भी नहीं, आई एम ए वेरी जेन्युइन पार्ट टाइम बॉलर। और जब मैं उड़ीसा का कैप्टन हुआ तो तब थोड़ा एडवांटेज में लिया अपने ऊपर कि हाँ जब मैं कैप्टन हूँ तो थोड़ा बॉलिंग कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को बोलने वाला कोई नहीं है, मैं थोड़ा एडवांटेज ले सकता हूँ। तो जब सारे बॉलर ऐसे, और हम जितने भी क्रिकेट खेले हैं उड़ीसा के मेन स्ट्रेंथ हमारा बॉलिंग ही रहा है, फास्ट बॉलिंग हमेशा रहा है, तो ऐसा कोई भी विकेट मिलता है जहां पे थोड़ा टर्नर हेल्प होता है या थोड़ा स्क्रीन को हेल्प मिलता है तो हम मैक्सिमम टाइम एक फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ खेलते हैं, तो उन्हें उस फेज में ब्रेक देने के लिए स्पिनर्स का रोल किसी को निभाना पड़ता है और हम लोग स्पिनर्स नहीं खिलाते थे बिकॉज हम वो एक एक्स्ट्रा कुशन एक बैट्समैन को लेके चलते थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को यूटिलाइज कर देता था और यूटिलाइज करके जो भी आपके सामने आज कुछ 43 विकेट्स फर्स्ट क्लास में है तो लिया हूँ। एंड रेगुलर बॉलर, मैं रेगुलर बॉलिंग कभी भी किया नहीं, अभी लास्ट एक डेढ़ साल से थोड़ा रेगुलर बॉलिंग कर रहा हूँ, उसमें भी इस साल मैं रेगुलर बॉलिंग नहीं कर पाया जी। पहला डेब्यू मैच बड़ौदा के सामने 106 रन की पारी, 243 बॉल आपने खेला था, उसी मैच पे विप्लव सामंत राय ने 55 रन की पारी खेला था, राकेश महांती ने 43 रन की पारी खेला था, और जब दूसरा इनिंग्स के बारे में बात करें सामने पे जो आपका टीम था अंबाती रायडू ने दोहरा शतक जड़ा था, क्या बताना चाहेंगे उस मेमोरेबल मैच के बारे में, पहला मैच पे शतक जड़ना शतक वीर बनना, क्या फीलिंग्स आ रहा था उस समय? वो मैच का तो बात ही कुछ और है, वो फीलिंग अभी जब भी मैं सोचता हूँ तो वो मेमोरी बहुत ही चेरिशेबल है। एंड हम उस समय अंडर 22 खेल रहे थे, मैं विप्लव, मतलब ऐसे देखेंगे विप्लव मेरे से एज इन एज मेरे से सीनियर है, बट हम साथ में जूनियर क्रिकेट काफी खेले हैं तो हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं, एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर भी करते हैं। एंड उस समय हम 22 मैच खेल के, उस समय 22 में भी हम लोग काफी रन बना रहे थे, मैं विप्लव उस समय काफी रन बना रहे थे, तो हम लोगों को उस समय कॉल हुआ कि आप लोग दोनों रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो हम आए लकीली सेम मैच में हम डेब्यू किए, उसने भी 50 बनाया, मैंने 100 बनाया, बट उस समय मैच में बीइंग ए फर्स्ट क्लास प्लेयर, एक पहला मैच जो भी खेलता है, मेरे को आज के टाइम में भी लगता है कि आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया बिकॉज डेकेड का गैप है, 10 ईयर्स का गैप है, मैं जब डेब्यू किया था आज 12 साल हो गया 2010, उस समय मैं जब खेलने आया तो बहुत कुछ था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट टोटली डिफरेंट होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, प्लेयर्स पीयर प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन जब खेला आई वाज लकी इनफ कि मैच बाराबंकी स्टेडियम में था एंड मेरे को जो क्राउड सपोर्ट मिला था वो आज तक मेरे को बहुत मजा आता है, मेरे रोंगटे भी खड़े कर देता है कि उस समय जो अभी हमारा सूर्यकांत प्रधान है वो डेब्यू तब किया नहीं था, काफी छोटा था,
वो कुछ अपना ग्रुप के बच्चे को लेके आके वो एक बॉक्स में रह के चीयर कर रहा था, और काफी लोग आए थे चीयर करने की, क्योंकि मैं उस समय अंडर 19 था मेरा, और तो सबको को ये इगर था कि एक छोटा सा बच्चा जो डेब्यू कर रहा है उसको हम मोटिवेट करते हैं, चीयर करते हैं, और कैसा खेलता है जाके देखते हैं। तो मैं जब गया खेलने तो बारिश हुआ था, तो हम लोग सेकेंड इनिंग बैटिंग कर रहे थे, विकेट थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने लगा था, तो मैं जाके खेला, थोड़ा फ्लैशी खेला स्टार्टिंग में, फिर जब एक आध बॉल मिस हुआ उसके बाद जाके थोड़ा सीरियस हुआ कि नहीं थोड़ा स्टिक करके खेलते हैं, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ मैं 100 बना सकता हूँ, क्योंकि तब तक मैं 70 रन बना चुका था जी। एंड फिर बॉल बाय बॉल खेलते खेलते 100 भी बना, हम वो मैच 3 पॉइंट भी लिए, हम फर्स्ट इनिंग लीड में आगे गए थे, एंड वेरी चेरिशेबल मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। देवाशीष मोहंती, शिव सुंदर दास, ये लोग सारे खेल रहे थे, देवाशीष मोहंती मीन्स हम बुढ़ा भाई जिनको बुलाते हैं, वो कैप्टन थे हमारे, एंड टीम में टोटल सबसे यंगस्टर में ही था जी। बिल्कुल यंगस्टर असरदार, और युवा खिलाड़ी का जो जोश था वो दूसरे टीम के ऊपर मतलब पड़ गया भारी, और उनका होश आपने गवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, रिकॉर्ड 225 रन का पारी, वो सबसे बड़ा उपलब्धि आपके क्रिकेट कैरियर पे, जब आप वो 225 रन का पारी को उठाकर देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे उस पारी के बारे में? वो 2016-17 का सीजन था, हम हैदराबाद में खेल रहे थे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो साल मैं, वो मेरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास का कैप्टेंसी था मेरा वो, एंड वो मैच में मेरे को याद है, उस मैच से पहले हम 3 मैच खेल चुके थे, मैंने रन नहीं बनाया था, सबसे पहला मैच में 50 बनाया था, उसके बाद 5 इनिंग हो गए थे मेरे से रन नहीं बन रहे थे, तो थोड़ा मेरे को प्रेशर फील हो रहा था कि बीइंग ए कैप्टन अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या एग्जांपल सेट कर रहा हूँ यंगस्टर्स के लिए जो टीम में उस समय नए थे, उस समय नए प्लेयर, फर्स्ट सीजन था, सुब्रांशु सेनापति, संदीप पटनायक, सौरभ रावत, अभिषेक यादव, रंजीत सिंह, ये लोगों का फर्स्ट ईयर था, तो और सारे के सारे बैट्समैन है, ये लोग भी मेरे को देख रहे हैं कि बीइंग ए सीनियर प्लेयर अगर ये लोग रन बनाएंगे तो उनको हेल्प करेगा कि हाँ वो भी रन बनाए, और बीइंग ए कैप्टन मेरे को लग रहा था कि मैं एग्जांपल सेट नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा सा प्रेशर था, थोड़ा सा टेंस था कि रन नहीं बन रहे, और उस मैच पे पता नहीं मेरे को हम आसाम ने कुछ 350 रन बना के हमें दिया था, और हम बैटिंग करने गए, जब फर्स्ट डे बैट चलने लगा फिर अंदर से फीलिंग आता है कि आज रन बनेगा, जैसा फ्लो आता है बैट से, हाँ अंदर से फीलिंग आता है कि आज रन बनेगा, तो फिर मैं उस फ्लो पे बैटिंग किया पूरा, और उस दिन जब खत्म हुआ तो जब हम गए तो तब तक मेरा 88 रन मैं बनाया था, तो मैं फिर घर मतलब रूम होटल जाके रियलाइज किया कि अगर मैं कुछ 2 घंटा बैटिंग किया था शायद, 2 घंटे में मैं अगर 80 रन बना सकता हूँ तो उसका बाद वाला दिन पूरा पड़ा है, एंड मेरे को आज रेस्ट मिलेगा, विकेट थोड़ा अच्छा है, टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उस दिन हम वेरी नेक्स्ट डे शायद मैं टी के बाद आउट हुआ, तब तक 225 रन बनाया था, एंड द सेम मैच में हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप भी, मैं काफियों के साथ पार्टनरशिप बनाया, विप्लव सामंतराय भी उस मैच में 100 बनाया था जी। निश्चित तौर पर आप देखते देखते वो सीढ़ी को आप चढ़ते गए, 225 रन मतलब टेम्परमेंट का बहुत बढ़िया आपने इस्तेमाल किया, गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से रीड किया, और आपने काफी उम्दा पारी खेल रखा था आसाम के खिलाफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैन ऑफ द मैच एक ऐसा अवार्ड है जिसको जीतने के लिए हर कोई खिलाड़ी कोशिश करता है और शायद हर किसी को मिलता नहीं है, लेकिन आप अपने कैरियर पे बहुत बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हैं, लेकिन एक वो फेवरेट मैन ऑफ द मैच अवार्ड जिसको आप शेयर कीजिए हमारे सामने। फेवरेट मैन ऑफ द मैच ऐसे बोलेंगे तो जैसे फर्स्ट क्लास में ऐसे ओवरऑल ही मैक्सिमम मैचेस में बोला नहीं जाता है मैन ऑफ द मैच, अभी कुछ सालों से बोला जा रहा है, बट मेरे को फील होता है वही आसाम के साथ में बारबटी स्टेडियम में मैच था 2015, और विकेट बहुत ही डाइसी था, पूरा गीला विकेट था, और उसमें रन बनाना बहुत ही मुश्किल था, किसी ने भी 50 रन नहीं बनाए थे टोटल मैच में, हमने जीता, उड़ीसा जीता,
एंड हमें टारगेट मिला था कुछ 130 या 35 रन का टारगेट था। मैं सेकेंड इनिंग जाके बनाया, मैं 77 नॉट आउट था। वो मैच मेरे को बहुत अच्छा फील करता है कि वैसा विकेट पे जाके जाके रन बनाना, पूरा रन बनाना, डेयरिंग जाके डेयरिंग बैटिंग करना एंड एट विल। मैं वो सीजन भी मेरा अच्छा जा रहा था, मैं काफी मैचेस में रन बनाया था, तो उस फ्लो पे बैटिंग करके जब मैच जिताया तो वो जो फीलिंग है वो बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, आप कोई भी क्रिकेटर्स को ले लो, जब कोई अपने बलबूते पे मैच जिताता है अपने टीम के लिए, तो उसको वो फीलिंग उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज क्रिकेट इज अ टीम गेम। और आपका कंट्रीब्यूशन अगर आपको आपके टीम को हेल्प करता है थ्रू होने में, तो आपको उससे उससे बेटर फीलिंग शायद कुछ नहीं। जी बिल्कुल, वो फीलिंग कुछ अलग होता है और बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसको समझाया। एक क्वेश्चन हम दर्शकों का लेना चाहेंगे, मानस रंजन महापात्र ने पूछे हैं, whom you think in recent teams will be represent India in near future? तो उनका मानना है कि अभी के दौर पे जो खिलाड़ी हैं उनसे आप किसका वो किसको देख रहे हैं कि ये इंडिया के लिए खेल सकते हैं, इनके पास वो टैलेंट है? क्या आप ओडिशा टीम से पूछ रहे हैं या कोई भी टीम से? ओडिशा टीम से, ओडिशा टीम से, ओडिशा से आप किस यंगस्टर को देख रहे हैं कि ये आने वाले समय पे इंडिया के लिए खेल सकते हैं, इनके पास वो टैलेंट है, वो क्लास है? मेरे को पर्सनली ऐसे काफी सारे प्लेयर हैं जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा एग्जांपल, सुब्रांशु सेनापति, फास्ट बॉलिंग में राजेश मोहंती और शांतनु मिश्रा, संदीप पटनायक। मैं इन लोगों को हमेशा देखता हूँ कि ये आगे खेल सकते हैं, प्रायर की ये अपने फिटनेस पे वर्क करके और जितना डाउन रह के परफॉर्म करते रहे डेफिनेटली चांस जरूर नॉक करेगा। पर सबसे अच्छा एग्जांपल सेनापति है, वो सेनापति जब हाँ, क्योंकि मैं उसको अपने बहुत क्लोजली उसको वॉच किया हूँ, उसके जूनियर क्रिकेट भी देखा हूँ एंड सीनियर मेरे नजर के सामने ही वो डेब्यू किया है। तो जो वर्क एथिक्स में वो काम करता है उसको मेरे को जो भी लगता है कि इस पे काम करना चाहिए, मैं उसको शेयर करता हूँ। और वो बहुत ही हम्बल इंसान है और उसको वो सबको कोशिश करता है कि वो अपने कल्चर में लाए, वर्क कल्चर में लाए, काम करें एंड आगे जाए। तो इन प्लेयरों को मैं देखता हूँ आने वाले सालों में, ये लोग अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंडिया डोर जरूर नॉक करेगा। जी बिल्कुल, सुब्रांशु सेनापति ऑलरेडी उन्होंने आईपीएल का डोर को नॉक किया था, खटखटाया था, शायद इस बार मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय पे मौका मिले और मौका पे वो चौका लगाए और फ्रंट ऑफ द लीड एक एग्जांपल सेट करे सुब्रांशु सेनापति की, मैं जब आईपीएल खेल सकता हूँ तो ओडिशा के तमाम खिलाड़ी आईपीएल खेल सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर किसी का तमन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के लिए एक टूर्नामेंट पे आपको हर मैच पे अच्छा करना पड़ता है, तो कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे अपने हर मुकाबला पे तबाही मचाया था, मतलब रनों की बरसात की थी, फिर आपको वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से नवाजा गया था? कुछ मैचेस हैं बट मैं जूनियर के वक्त में याद करना चाहूंगा, जब राउरकेला में राउरकेला प्रीमियर लीग हुआ करता था उस समय मैन ऑफ द सीरीज, दो साल हुआ है, दोनों बार मैन ऑफ द सीरीज मिला मेरे को मिला है। एंड वो ये सब चीज एक ऐसा चीज है जो खुद के हाथ में रहता नहीं था कि मेरे को मैन ऑफ द सीरीज लेके जाना है या मेरे को मैन ऑफ द मैच होना है। मेरे हिसाब से कोई सोच के नहीं जाता, अपना हमेशा बेस्ट देने का है और जब उसका बेस्ट रंग लाता है और उसके टीम को हेल्प होता है कोई भी टूर्नामेंट जीतने में या कोई भी एक मैच जीतने में, तो उससे बेटर फीलिंग कुछ भी नहीं है क्रिकेट में। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा क्योंकि शतक के बाद शतक जमना आपका खूबियां है और इसीलिए कहते हैं कि खूबियां भी तुझमें, खामियां भी तुझमें, ढूंढने वाले तू, सोच क्या चाहिए तुझमें, आपके अंदर वो खूबियां नजर आई है। जब कुल मिलाकर हम देखते हैं आप 10 शतक यानी कि विजय हजार ट्रॉफी या फिर रणजी ट्रॉफी को मिला देंगे तो लगभग आपने 10 सेंचुरी जड़ चुके हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे पारियां आप खेल चुके हैं, लेकिन
जब आप सेंचुरी बनाते हैं, क्या सेंचुरी बनाने के बाद को और भी बड़ा स्कोर पे तब्दील करने के लिए आप सोचते हैं? जैसे रोहित शर्मा ने बार बार करके दिखाया है, या फिर विराट कोहली ने बार बार करके दिखाया है, शतक बनने के बाद क्या सोच आता है बतौर बल्लेबाज दिमाग पे? देखिए, आप कोई भी फॉर्मेट लीजिए, अगर वो वनडे क्रिकेट हुआ या डेज क्रिकेट हुआ, कोई भी एक बैट्समैन मैक्सिमम टाइम, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन का मैक्सिमम चांसेस रहता है 100 बनाने का, और अगर वो उसको कन्वर्ट करता है 100, तो उसको हमेशा यही सोचना चाहिए कि वो 100 और बड़ा हो, बिकॉज अगर वो 100 बना के उस समय छोड़ता है, अगर आउट हो जाता है, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता, आउट अगर हो जाता है तो उसके बाद जो भी नया बैट्समैन आएगा उसको उस फेज से निकलने के लिए तब तक ओवर्स खत्म हो जाते हैं, और अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो उसको अगेन सर्टन पीरियड चाहिए सेट होने में, बिकॉज जो कंडीशंस रहता है उस जो करंट बैट्समैन खेल रहा होता है सेट होके, वो कंडीशंस बखूबी से वो बैट्समैन को पता है कि ऐसा कंडीशंस है, और वो यूज्ड टू हो चुका रहता है कि बॉल कितना टर्न कर रहा है, या बॉल कितना सीम कर रहा है, या बॉल कितना स्विंग कर रहा है। लेकिन नए बल्लेबाज जब आएगा तो उसको वो टाइम चाहिए इसको समझने के लिए, और वनडे क्रिकेट में उतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज अगर मैं या कोई भी 100 करता है तब तक मैं 35 से 40 ओवर खत्म हो चुका होता है। उस समय अगर कोई नया बैट्समैन आएगा और 2-3 ओवर सेट होने के लिए ले जाएगा, तो जो मोमेंटम वो सामने वाले टीम पे शिफ्ट हो जाता है, वो लोग ऑन द टॉप आ जाते हैं। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वही सेट बैट्समैन रहेगा क्रीज पे, तो 100 बनाने में जितना टाइम लगाया उससे बहुत कम टाइम वो और 50 रन बनाने में लगा देगा, बिकॉज वो सेट हो चुका रहता है, बॉलर्स थोड़े प्रेशर रहते हैं, एंड जब मैं 100 बना चुका हूं तो मैं एट विल बैटिंग कर सकता हूं, ठीक है, और एक बट नया बैट्समैन के लिए हमेशा टफ रहता है। तो जब भी 100 क्रॉस किया हूं तो मेरे माइंड में रहता है कि इसको बड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं बड़ा करने का, ताकि मेरे टीम को भी हेल्प हो एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को भी हेल्प हो। ओडिशा क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन किसका नाम आप लेना चाहेंगे? फियरलेस बैट्समैन मैं बीबीसीसी महापात्र का नाम। बीबीसीसी महापात्र मतलब ताबड़तोड़, मतलब छक्का लगाना, मतलब ताकत का इस्तेमाल करना, बीबीसीसी महापात्र से कोई सीखे, और एक उम्दा बल्लेबाज थे। एक्यूरेट बैट्समैन मतलब मेरिट ऑफ द पिच, गेम को देखकर परखकर शॉट खेलना, उस तरीके की नो डाउट शिवसुंदर दास। शिवसुंदर दास एक्यूरेट बॉलर जो अपना टप्पा नहीं छोड़ते हैं, मतलब टप्पा पे बार बार गेंदबाजी करते जाते हैं, विकेट मिले या फिर ना मिले। ऐसे तो ऑन पेपर भी देखेंगे तो एक जन का ही नाम आएगा, देवाशीष मोहंती, बट मैं उनके साथ खेला भी हूँ, बट मैं आई एम ए बिग फैन ऑफ बसंत मोहंती, और मैं उनके साथ नियरली अबाउट फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी लिस्ट है, मिला के अराउंड 100 से ज्यादा मैचेस खेल चुका हूँ मैं उनके साथ, तो मेरे को पता है कि किस प्रकार का टेरर वो लाते हैं, सामने वाले टीम के बैट्समैन कैसे डरते हैं और बोलते हैं कि अरे यार ये अभी तक खेल रहा है, या जगह छोड़ता नहीं है और अभी तक टप्पे पे डालते रहता है, तो एक्यूरेसी में मैं बसंत भाई का नाम से जानना चाहूंगा जी। बेस्ट फिनिशर किसका नाम लेना चाहेंगे आप? फिनिशर का रोल जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अदा किया है और जिन्होंने आपको कोई प्रभावित किए हैं, बतौर कप्तान आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बेस्ट फिनिशर मैं आज के डेट में जब से खेलते हुए आए हैं तब से बेस्ट फिनिश मैं देखूं आऊं तो राकेश महंती। सोच समझ कर आपने जवाब दिया हमको कि किसका नाम लेना चाहिए, और आपने जिस खिलाड़ी का नाम लिया उन्होंने भी बहुत कीर्तिमान अर्जित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गेम चेंजर प्लेयर। उड़ीसा क्रिकेट को आप जब भी मतलब थोड़ा सा आप नजर घुमाते हैं तो फिर गेम चेंजर के तौर पर किस खिलाड़ी ने प्रभाव छोड़ा है उड़ीसा क्रिकेट पे? मैं हमेशा बिलीव किया हूँ नटराज बेहरा। नटराज, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपके लिए वो दो बेस्ट ओपनर हो सकते हैं। मैं अब तक जब तक खेला हूँ, मैं अभी करंट सिनेरियो में
यंगस्टर्स उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं जब तक खेल के आया हूँ और अभी भी खेल रहा है वो, एक है नटराज भाई और एक है अनुराग सारंगी जी। अब एक सवाल मैं ले लेता हूं, आपको जानते हैं पहचानते हैं अजीत भाई, उन्होंने ये कुछ जानना चाहते हैं कि 5-6 स्टोरी अगेंस्ट महाराष्ट्र प्लीज शेयर, उसके बारे में, महाराष्ट्र के खिलाफ आपने जो 5 छक्का लगाया था उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उस यादें को थोड़ा सा ताजा कीजिए। अच्छा, वो पांच छक्के वाला जो है स्टोरी, वो महाराष्ट्र के साथ, वो भी बारबटी स्टेडियम में ही मैच था। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार गए, हमने 180 या 188 और 190 रन बनाया था, उसमें भी विप्लव सामंतराय ने 100 बनाया था, वो उसका फर्स्ट 100 है T20 में। मैं काफी नीचे आया था बैटिंग करने, एंड मैं अभी भी विप्लव को जब भी इस बारे में बात होता है तो मैं विप्लव को डांटता हूँ कि तेरे चलते मैं एक रिकॉर्ड बना नहीं पाया 6 छक्के का, मैं उस मैच में 6 छक्के मार देता। तो उसमें वो उसका कमबैक था, वो ड्रॉप होने के बाद वो आया खेलने, मैं ही कैप्टन था, एंड मैं जब पहला छक्का बनाया तो नॉन स्ट्राइकर में था, आया मेरे को बोला दादी एक छक्का मार दिया है, इस ओवर को हम लोग अच्छा फिनिश कर सकते हैं, 10 या 11 रन में हम लोग फिनिश कर सकते हैं ओवर में। मैं बोला ठीक है। वेरी नेक्स्ट बॉल फिर से मैंने छक्का मार दिया, फिर से वो आया, आके मेरे को बोला दादा अब तू 2 छक्का मार दिया है, ये 15-16 ओवर रन का ओवर जाएगा, तू कुछ गड़बड़ मत करना। मैं बोला ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट बॉल जिस रडार में था वो शायद सबसे आसान बॉल था छक्का मारने के लिए, मैं उसको मिड विकेट में मारा, फ्लिक किया 1 रन के लिए, और मिड विकेट भी काफी पीछे था, वो 1 रन भी नहीं हुआ, वो पकड़ के विप्लव मना कर दिया, वो थ्रो आ गया, तब तक मैं क्रीज में हम लोग दोनों थे, 1 रन भी नहीं हुआ। मैं फिर सोचा कि विप्लव आके मेरे को बोल रहा है मत मार आउट हो जाएगा, अब इसका बात सुनोगे, मैं उसको बोला तू और आना मत। फिर उसके बाद मैं एक तब तक कुछ 17-18 ओवर चल रहा था वो वाला, फिर फोर्थ बॉल गिरा जो वो छक्का, उसके बाद लास्ट 2 बॉल मेरे को आज तक ध्यान नहीं है कि क्या हुआ, वो बॉलर बॉल डाला, मैं शायद आंख बंद करके घुमाया और दोनों के दोनों छक्के हो गए। जी, एक बढ़िया चीज आपने शेयर किया हमारे सामने, बहुत कम लोगों को पता है कि गोविंद पोदार जो 5 छक्का लगाया था कटक की बारबटी स्टेडियम पे, वो एक यादगार लम्हा था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रुके थे, 2 सलामी बल्लेबाज का आपको पिक करना है कि ऑल टाइम फेवरेट रह सकते हैं उड़ीसा क्रिकेट के लिए, 2 सलामी बल्लेबाज का नाम। ऑल टाइम रह सकते हैं, आने वाले सालों में तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे आ भी रहे हैं, बट अब तक मैं जितना देखा हूँ, एक है शिव सुंदर दास, जिनके साथ मैं थोड़ा खेला हूँ लेकिन खेला हूँ, वो काफी अच्छे ओपनर हैं एंड कंट्री के लिए भी खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, तो मैं सिर्फ 2 जन का नाम नहीं ले सकता, काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जैसे शिव सुंदर दास, नटराज बेहरा, अनुराग सारंगी, और आज के टाइम में बहुत अच्छा मेरे को लगता है शांतनु मिश्रा एज ए ओपनर, काफी अच्छा लगता है मेरे को वो, एंड ये प्लेयर है मेरे माइंड में हमेशा। ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम है, आप दोनों खिलाड़ी को चूज करना, यानी कि आप किसी एक का नाम लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। अपने बुरा मानने वाला बात नहीं है, लेकिन बुरा मानने वाला बात है नहीं, ये है उतने अच्छे हैं इसीलिए मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उतने उतने अच्छे हैं और तेज गति के। जी बिल्कुल, हमने अपने जो नाम बताया हर आपने, उन्होंने ओडिशा को बहुत कुछ दिए हैं, बतौर ओपनर उन्होंने कमाल की बैटिंग किए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेज गति के साथ ओडिशा क्रिकेट पे किस गेंदबाज का नाम आप लेना चाहेंगे जिसके पास रफ्तार हो और वो बल्लेबाज को गिरफ्तार करता हो, और रफ्तार वाले गेंदबाज के सूची पे आप किसका नाम रखना चाहेंगे? प्रॉपर फास्ट बॉलिंग आप पूछ रहे हैं? प्रॉपर फास्ट बॉलिंग, सबसे तेज फास्ट, सबसे तेज प्रॉपर फास्ट बॉलिंग में मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा पेस में बॉल डालता था वो सूर्यकांत, एंड कुछ इंजरी के चलते वो आज के डेट में वो पेस में नहीं डालता, बस सूर्यकांत, आलोक मंगराज, आलोक साहू, ये लोग
अपने पेस के साथ इफेक्टिवनेस दिखाए हैं फास्ट बॉलिंग में हमेशा। जी 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 बिल्कुल, आलोक साहू ब्रेटली के नाम से हम जानते हैं जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं। चलिए अब एक स्पिनर का नाम ले लीजिए, मतलब जादूगरी, उनकी वो उंगलियों पे मतलब जादू है, मतलब टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर जाएगा बाहर आएगा किसी को पता नहीं होता है, उस प्रकार का स्पिनर का, दिग्गज स्पिनर का नाम लीजिए। एक है संजय सतपति और एक है शाहिद खान। शाहिद खान, चलिए। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी होता है क्रिकेट के खेल पे, यानी कि सिंगल डबल चुराना, जैसे किस बल्लेबाज का आप नाम लेना चाहेंगे जो स्ट्राइक रूटेड बेहतर करते हैं? हमारे टीम में मैं खेला हूं, जिनके साथ मैं बता रहा हूं स्ट्राइक रोटेशन में माहिर है, एक है राकेश महांती, एक है मतलब मैं जिनके साथ मेरे को स्ट्राइक रोटेट करके, क्योंकि बीइंग ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, टॉप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपको हमेशा स्ट्राइक रोटेट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो राकेश महांती का नाम लेना चाहूंगा, बिप्लब सामंतराय का नाम लेना चाहूंगा, सुब्रांशु सेनापति का नाम लेना चाहूंगा, इंक्लूडिंग मी। जी बिल्कुल, आप है इसीलिए उड़ीसा क्रिकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप हमेशा रहो ये हम उम्मीद लगाएंगे, कभी आप उड़ीसा क्रिकेट को अलविदा ना कहे ये आपसे दरख्वास्त रहेगा। लेकिन सेफ हैंड फील्डर, मतलब फील्डर मतलब जबरदस्त 100% वो मैदान पे देते हैं, मतलब क्या चाहे तो छलान लगा दिया, आगे की तरफ ड्राइव लगाना हो, साइड की तरफ ड्राइव लगाना, वो कभी संकोच नहीं करते हैं। मतलब एक फील्डर का नाम लेना है जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है उनके फील्डिंग से। फील्डिंग में हम लोग हमेशा उनको देख के आए हैं और मैं उनको उन लोगों को फॉलो हमेशा किया हूँ, एक है आतिश जेना और एक है रश्मि रंजन दास। रश्मि रंजन दास, चलिए अब बेस्ट डेथ बॉलर, मतलब डेथ ओवर पे आके विकेट चटकाना वो काबिलियत है उस गेंदबाज के पास, आप किसका नाम लेना चाहेंगे डेथ पे जो गेंदबाजी करता? डेथ बॉलिंग में मेरे पास जो एग्जांपल है डेथ बॉलिंग में, वो काफी फास्ट बॉलर तो है नहीं, बट एक जन का नाम लेना चाहूंगा, सूर्यकांत प्रधान, देवव्रत प्रधान और एक बिप्लब सामंतराय। मैं इन लोगों को देखा हूँ डेथ बॉलिंग में, ये लोग काफी किफायती एंड मैचेस भी जीताए हैं काफी। चलिए इलाबा, और क्या हबीस है गोविंद सार के पास, और क्या करने पे मजा आता है और क्या करते हैं? हॉबीज ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे हैं, और हम लोग ऐसे क्या मैं बोलूं अपने बारे में, मस्त मौला इंसान है, घूमता हूँ फिरता हूँ, फैमिली को टाइम देता हूँ, जो हाउस होल्ड वर्क है उस पर काम करते हैं, पापा के साथ, मम्मी के साथ, वाइफ के साथ, भैया के साथ, अभी भैया की बेटी है उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ऐसे काफ़ी चीज है जो मेरे को पसंद है, थोड़ा घूमना, ट्रैवल करना, ड्राइव करना, इन सब चीजों पे करते रहते, जो चीज मन करे वो चीज करता हूँ, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। जी क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए खाना, मतलब खाना खाना मतलब सब कुछ आप नहीं खा सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप क्रिकेटर बन जाते हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा डाइटिंग करना पड़ता है, लेकिन जब आप क्रिकेट मतलब शुरुआत किया था तब आपका फेवरेट फूड क्या था, और अभी के दौर पे आप क्या खाना पसंद करते हैं? मतलब दो टाइम का मैं पूछूंगा, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और जब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दोनों का क्या कनेक्शन है, फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट फूड बीइंग अ बंगाली बैकग्राउंड, तो मछली मेरा फेवरेट ही है। हाँ जी, और क्रिकेट अब क्या है कि बाय गॉड ग्रेस, भगवान का काफी आशीर्वाद है कि डाइट पे मैं मेंटेन खेलते वक्त ही थोड़ा करता हूँ, कि जैसे मटन नहीं खाना, मसालेदार चीज नहीं खाना, और ऐसे मेरे को खाने पीने में कोई ऐसा नहीं है, रंजिश नहीं है कि मैं ये नहीं खाता, मैं सब चीज खाता हूँ, बट टाइम देख के और लिमिट में, और क्वांटिटी मेरा ज्यादा है नहीं, बट जब खेल रहे होते तो मेरे को पता है कि ऐसा क्या चीज है जो खाना खाने के बाद उसको डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो उन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। बाकी खेलने के बाद भी अभी तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि
हर एक के घर में, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स की, नॉट ओनली कोई भी प्लेयर, सबके घर में आज डाइट कॉन्शियस सबको ही है, इवन आप भी होंगे जी कि बिल्कुल, हम ये आप खाते हैं। हैं तो हम ठीक रहेंगे। एंड बिकॉज आज के टाइम में क्या है कि, और पहले के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम जो भी खाना खाते हैं वो बोलो तो एक प्रकार का जहर ही है। जी बिकॉज आज के टाइम में 12 महीना आपको हर एक चीज मिलता है, पहले के टाइम में सब चीज सीजनल हुआ करता था, सीजन राइट? तो हाँ उस बेसिस पे सब चीज अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। और अभी मेरा शेड्यूल तो ऐसा है कि जिम जाना पड़ता है, हमें भागने जाना पड़ता है। तो भागने को मैं अभी कट डाउन कैसे किया हूँ, मैं अपने रूटीन में साइकिलिंग ऐड किया हूँ, एंड जी प्रैक्टिस सुबह शाम करना पड़ता है, उस बीच में फिर ऑफिस जी जी का जी टाइम रहता है। तो वहां पे थोड़ी देर इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। फिटनेस प्रैक्टिस, क्या खाना चाहिए, क्या खाना खाना के बारे में आपने बता दिया, लेकिन फिटनेस लेवल, जिम पे कितना समय जाना चाहिए, आपको मैच पे कितना समय व्यतीत करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे यंगस्टर को जो अभी अभी क्रिकेट खेलने की मतलब सोच रखे हैं या फिर कुछ उम्मीद रखे हैं उन्होंने कि क्रिकेट पे उनको कैरियर बनाना है, तो सबसे पहले तो फिटनेस ही आएगा। तो फिटनेस बनाने के लिए क्या खाना जरूरी है, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बीच बीच पे क्रिकेट पे आप जब आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या क्या गुण होना चाहिए आपके अंदर, उसको थोड़ा सा आप विस्तार पे बताएंगे हमारे यंगस्टर को। देखिए, मैं इतना बड़ा स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं कि मैं ऐसा कोई गुरुजी नहीं हूं कि मैं ये बोलूं कि ये करने से यही होगा, ये करने से ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस का कोई टाइम नहीं होता। मतलब अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको बैटिंग प्रैक्टिस करना है तो ये नहीं है कि 1 घंटा बैटिंग कर लो, हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आपका मन करे तब तक करो, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि इसे आपको प्यार होना चाहिए। और मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, जब सीजन ऑफ होता है मैं कुछ दिन के लिए कुछ भी नहीं करता, मैं ग्राउंड ही नहीं जाता, बिल्कुल बैटिंग नहीं करता। लेकिन जब मैं वंस अपना बैटिंग का फेस चालू करता हूँ तो वो रेगुलर, मैं इतना मेक श्योर करता हूँ कि वो रेगुलर रहे, एवरी डे रहे। एंड जैसे कि अभी डे बाय डे जब हमारा एज बढ़ता है तो दूसरे चीज में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हमें करना पड़ता है, ऑफिस का टाइम रहता है, थोड़ा ऑफिस में वहां पे टाइम जाना पड़ता है, मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं। एंड फिटनेस एक ऐसा चीज है, वो अपने हाथ पे है, वो आप जब चाहो तब कर सकते हो। आपको फिटनेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि जिम जाने से ही फिटनेस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आज हम जब खेल, मतलब अपना गेम को और एनहांस करना चाहते हैं और एडवांसली और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इसको करना है। लेकिन एक न्यू कमर के लिए स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं है, वो कहीं से भी चालू कर सकता है, बस हाँ उसको चालू करना है और उसको करते रहना है। एंड जी मतलब आप किसी भी चीज को, आप मतलब किसी भी चीज को किसी के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन जब स्किल पे आता है काम, जब हमें बैटिंग, प्रॉपर बैटिंग पे करना आता है, उसे हमें एक स्पेसिफिक समय बनाना चाहिए कि ये समय सिर्फ बैटिंग करना है, और बैटिंग करते वक्त हमें जी फिटनेस के बारे में सोचना नहीं है। और जब हम फिटनेस कर रहे हैं तो हम फिटनेस किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे को भाग, मैं भाग नहीं सकता, मत भागो, बैडमिंटन खेल सकते हैं तो बैडमिंटन खेलो घंटा भर, उसमें आपका फिटनेस होगा। भाग नहीं सकते, आपको साइकिलिंग करना है तो आपको घर का कुछ भी काम करना है, आप साइकिल साइकिल लेके कीजिए, उस पर आपका फिटनेस होगा। अगर आप बैटिंग बैट्समैन है, आपको आज बैटिंग करने का मन नहीं है, बॉलिंग करो 1 घंटा, उस पर आपका फिटनेस होगा। किसी भी चीज से जी आप अपने आप को थका रहे हो और अपने आप को पसीना बहा रहे हो तो उसमें आपका फिटनेस होगा। और आज के डेट में इतना है कि अपना जो हाइजीन है और हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करना, मतलब मैं कैसे जानूंगा कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ? बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं वो तो गर्म खून रहता है, जोश रहता है, खेलते रहते खेलते रहते हैं, लेकिन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब शाम को आते हैं तो सफिशियंट अमाउंट ऑफ पानी पियो, नींबू पानी पियो। जबकि जो कोई खेल लेता है, कोई एक सर्टन लेवल पहुंच जाता है तो तब वो चालू करता है इलेक्ट्रोलाइट्स लेना, टैबलेट्स लेना, जो हमें हाइड्रेट करता है। बट उसके अलावा भी ऐसा बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग बचपन में करते थे और अभी भी करते हैं। नींबू पानी पियो, जी कंटिन्यू नींबू पानी पियो। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा हर एक प्लेयर को कि एक आज के डेट में काफी चला हुआ है वर्कलोड मैनेजमेंट। वो जी क्या होता है कि मेरे को मेरे बॉडी का वर्कलोड पता होना चाहिए कि कितना लोड मेरा बॉडी ले सकता है
आज, तो मैं जब डे बाय डे प्रैक्टिस करता रहूंगा किसी भी चीज में, फिटनेस हो स्किल हो, जब प्रैक्टिस करता हुआ रहूंगा तो मेरे को मालूम चलता रहेगा, मेरा हर एक चीज बढ़ता रहेगा। अगर मैं आज एक घंटा बैटिंग कर पाया हूँ बिना थके, कल वो एक घंटा 15 मिनट होगा, परसों एक घंटा 20 मिनट होगा, तो मैं अपने आप को कहाँ तक पुश कर सकता हूँ, एंड सर्टन लिमिट के बाद फिर मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि मेरा बॉडी अगेन रिगेन करे, ब्रेकडाउन ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहीं गाड़ी गाड़ी लेके जाते भी हैं तो 100, 150, 200 किलोमीटर चलाने के बाद कहीं हम रुकते हैं, खुद भी खाते हैं पीते हैं और थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं। तो सेम चीज एक बॉडी जब चलता है तो उसको पुश करना चाहिए, हमें हमारा बॉडी को पुश करना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ हमें रुकना है। देन अगेन अपना, जैसे हम गाड़ी में तेल खत्म होता है तो फ्यूल भरते हैं, वैसे ही अपना बॉडी को देन अगेन एनर्जेटिक करना है, देन आगे फिर आगे बढ़ना है। और एक सडन फेज होता है जब आप 16-17 साल से लेके 28-30 तक आप अपने आप को बेशुमार पुश कर सकते हो, तब तक पुश कर लेने से, तब तक पुश करने से और 5-6 साल वो आपको ऐसे ही लेके जाएगा और भी आगे, मेंटेनेंस में भी आप गाड़ी लेके जाएगा। तो यही है, मैं सभी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा दिया, मतलब इससे बेहतर टिप्पणी या फिर टिप्स शायद हमारे यंगस्टर को मिल नहीं सकता था। और कहां पे मिलेगा? ओनली ऑन क्रिकेट वाणी। प्लीज आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए या फिर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उड़ीसा क्रिकेट का नामी दामी खिलाड़ी यहाँ पे उनके खेल के बारे में, जीवन के बारे में और स्किल्स के बारे में बताते हैं। निश्चित तौर पर आपने बताया कि क्या होना चाहिए फिटनेस, और मंटू लॉ फॉर्म नालको अनुगुल आपके लिए भेजे हैं मंटू ने, ये उनका बहुत सारा प्यार है आपके लिए। और बैंकुट से थी 1717 जो हमारे टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप माना जाता है, जिस टूर्नामेंट को बाघेड़िया कप उसको कहा जाता है, तो उनके क्लब की तरफ से उन्होंने आपके लिए बहुत सारे प्यार भेजे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल्स क्या होना चाहिए? स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम, जैसे हेड पोजीशन के बारे में बात करते हैं या फिर आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, बल्ला कहाँ से आना चाहिए, बॉटम हैंड का आप किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, टॉप हैंड का किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, रूम मिले तो कहाँ पे शॉट खेलना चाहिए, जब छोटी गेंद आए तो उसको पूल लगाना चाहिए, तो पूल पे क्या क्या होना चाहिए एक बल्लेबाज के पास, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुलासा कीजिए। देखिए मैं इन सब टेक्निकल टर्म्स में कैसे क्या बात करूं यहाँ पे, लाइव में उतना नहीं बात कर सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कोई ना कोई वॉच करता रहता है, उनके मेंटर हो, उनके कोच हो, और डे बाय डे, जैसे कोई न्यू कमर है तो चलो ठीक है उसको सब कुछ करना है, बट डे बाय डे आप जितना खेलते जाओगे आपका क्रिकेटिंग स्पैन जितना बढ़ता जाएगा तो आपको आउट करने के लिए भी बॉलर भी प्लान करते हैं कि ये बैट्समैन को हम ऐसे ट्रैप कर सकते हैं, सेम वाइस वर्सा होता है, जैसे कि बैट्समैन भी बोलते हैं कि ये बॉलर का ये स्ट्रेंथ है तो ये स्ट्रेंथ में उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, उसके बाद जब वो थकेगा तब हम उसको मारेंगे। तो सेम चीज आपका बॉलर लोग के भी होता है कि इसको यहाँ पे नहीं डालेंगे ताकि ये रन नहीं बना पाएगा, जब ये रन नहीं बना पाएगा तो ये छटपटा आएगा तो तब इसको हम लोग इस चैनल पे बॉलिंग करते रहेंगे तब ये आउट होगा। एंड जो क्रिकेटिंग शॉट्स पे आप बात किए, कोई एक देखिए बेसिक हमेशा सबके लिए सेम होता है, सब चीज सेम होता है बेसिक, लेकिन बेसिक को अपनाना और अपने तरीके से खेलना सबका अलग होता है, ठीक है। अगर अलग नहीं हुआ होता तो सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन भी नहीं होते, शिव नारायण चंद्रपाल जैसे बैट्समैन भी नहीं होते, या जॉर्ज बेली जैसे उल्टा घूम के खड़े होकर बैटिंग कर रहे थे वैसे बैट्समैन नहीं होते। लेकिन आप अगर देखोगे जब इम्पैक्ट का जब टाइम होता है, जब वो बैट पे बॉल उनका लग रहा होता है, तब सबका पोजिशन सबका सेम रहता है। जी जी ठीक है, बिल्कुल। आपका फेवरेट शॉट हम जानना चाहेंगे, कौन सा शॉट आप आंख बंद करके भी खेल सकते हैं, वो पक्की पता ऐसा नहीं है। ऐसा शायद खाली रोहित शर्मा कर सकते हैं, आंख बंद करके पुल मार सकते हैं, मैं ऐसा कोई भी शॉट आंख बंद करके नहीं मार सकता, आंख खोल के मारना पड़ता है, लेकिन मेरा फेवरेट है एक है मेरा कवर ड्राइव और एक फ्लिक। वाओ भाई, वो मरीन ड्राइव से भी ज्यादा खूबसूरत है आपका कवर ड्राइव, वो कोहली के लिए बताते हैं, बहुत बार आकाश चोपड़ा जी ने बताया है, लेकिन हम जब भी उड़ीसा क्रिकेट को देखते हैं तो फिर गोविंद पोदार वो खिलाड़ी हैं जो कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत तरीके से खेलते हैं।
थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आपका कप्तान है, कप्तान का भार जब आता है कोई खिलाड़ी के ऊपर, हमने देखे महेंद्र सिंह धोनी को जिन्होंने बहुत समय तक भारतीय टीम के कप्तान रहे और उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया, लेकिन बतौर कप्तान जब वो भार आपके ऊपर आ जाता है तो फिर क्या दबाव होता है? तो कप्तान का रोल को आपने किस तरीके से अदा किया और क्या क्या प्रेशर होता है कप्तान के ऊपर? देखिए, बीइंग ए कैप्टन प्रेशर तो हमेशा होता है, बिकॉज आपको एक टीम में, जब आप एक इंडिविजुअल प्लेयर हैं तब आप अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन टीम को कैसे हेल्प करे, लेकिन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कप्तान होते हैं तब आपका वो एक्स्ट्रा लोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उन सारे प्लेयरों का जो खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग नॉन प्लेयर्स, जो चार नॉन प्लेइंग रहते हैं उनके भी, बिकॉज उनको चांस मिलना जरूरी है, और जो खेल रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना वो आपका काम है, मैचेस जिताना आपका काम है, और ये जो एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर है, मैं ये प्रेशर को कभी भी प्रेशर वाइज सोच के नहीं लिया, मैं एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लिया हूँ और मैं कोशिश किया हूँ इसको ठीक से निभाने के लिए। पता नहीं मैं कितना हद तक निभा पाया हूँ जब तक मैं कैप्टन था, और मैं हमेशा फील करता हूँ कि बीइंग ए कैप्टन आपको हमेशा लिबर्टी देना चाहिए प्लेयरों को, और एक कैप्टन को भी एक लिबर्टी मिलना चाहिए थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू कोच लिबर्टी मिलना चाहिए, बिकॉज अगर एक कैप्टन है तो वो अपने दिमाग से कुछ चीज सोच रहा है कि इस शायद वो चीज फेल हो गलत हो या फिर सक्सेस हो, हाँ गलत हो सकता है वो तो बात की बात है, लेकिन बीइंग ए कैप्टन अगर वो अपना एग्जीक्यूशन जो वो सोच रहा है वो एग्जीक्यूशन करने का कोशिश नहीं कर पाया तो कैप्टन होने का कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत लकी एनफ हूँ कि मैं जब कैप्टन, मेरे को कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला और मैं जो चीज डिमांड किया मेरे को उस डिमांड मेरा हमेशा फुलफिल हुआ है थ्रू देवाशीष महांती, वो कोच थे, देन उसके बाद रश्मि रंजन परिडा वो कोच थे, उनसे भी मेरे को वही लिबर्टी मिला कि नहीं तेरे को जो इच्छा तू कर और तेरे को वो फुल सपोर्ट थ्रू मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मिलता रहेगा मेरे को, हाँ फ्रीडम मेरे को मिला है। और जब मेरे को फील हुआ कि नहीं ये फ्रीडम नहीं आ रहा है तो उसी दिन मैं इसको क्विट किया था, बिकॉज हर एक एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चलता है तो आप अलग जाके काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपना खुद का इंडिविजुअलिटी तो हमेशा रहता ही है, जब आपको लगे कि हाँ इट्स बेटर टू कोई और कप्तानी करे तो आप तब क्विट करें, सही है, एंड बीइंग अ प्लेयर कंट्रीब्यूट करें वो सबसे, और एक जब सीनियर प्लेयर का टैग लग जाता है तो हमेशा वो एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता ही है कि एक सीनियर प्लेयर है तो उसको लेके चलना है सारों को। जी हमने तो ये चीज विराट कोहली से देखा, मतलब T20 पे कप्तान थे, ODI पे कप्तान थे, टेस्ट पे भी कप्तान थे, लेकिन एक एक करके इन्होंने सब फॉर्मेट से उन्होंने अलविदा कहा, क्योंकि इंडिविजुअली आप क्या कर पाते हैं वो सब आपने आज वो चार चांद लगा दिया हमारे शो पे। मतलब पिछला साल हमने बातचीत किया था आपको, मैंने मैसेज भी किया था या फिर सुशांत सर ने भी आपके साथ बातचीत किया था पिछला साल से अब तक, यानी कि बहुत बड़ा गैप रहा आपको पाने के लिए, लेकिन आप देर आए दुरुस्त आए और एक तंदुरुस्त खिलाड़ी भी आप है, आपको जो भी यंगस्टर देख रहे हैं सिर्फ आपको देखने से बहुत कुछ आप बयां कर रहे हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं कि क्या फिटनेस होना चाहिए, क्या मिजाज होना चाहिए, क्या आपका अंदाज होना चाहिए, क्या दिल बोल रहा है, क्या दिमाग बोल रहा है, ये सारे चीज एक खिलाड़ी को देखते हुए भी नजर आ जाता है। तो जानना चाहेंगे कि अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते न्यू बॉल और ओल्ड बॉल पे क्या फर्क रहता है? बतौर बल्लेबाज आप जब भी नई गेंद पे बल्लेबाजी करते हैं वहां पे आप क्या करते हैं, किस सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और जब गेंद पुरानी हो जाए या फिर रिवर्स स्विंग मिले उस समय आप क्या करते हैं? देखिए नया बॉल हमेशा कन्वेंशन स्विंग होता है, कन्वेंशन मतलब कोई अगर बॉल को आउट स्विंग करा रहा है बाहर की तरफ निकाल रहा है तो वो नया बॉल बाहर ही जाएगा, कोई अंदर इन स्विंग कराने का कोशिश कर रहा है तो वो कन्वेंशनली इन स्विंग ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आउट स्विंग कराया, आउट स्विंग गया अपने आप अंदर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता पुराना नए बॉल पे। एंड नया बॉल बॉलिंग करना भी टफ रहता है, लेकिन एक प्रॉपर स्किल्ड फुल बॉलर वही होता है जो पुराने बॉल पे राजा है, तो इसीलिए मैं बसंत महांती को हमेशा ऊपर रखता हूँ, बिकॉज जब कुछ नहीं हो रहा होता है तब वो इंसान आके कुछ करता है उस बॉल पे, और पुराने बॉल पे यही रहता है कि थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल होता है, बिकॉज वो कब रिवर्स स्विंग करना चालू करता है किसी को पता नहीं,
और जब तक किसी को पता चल, मतलब जब तक मेरे को रियलाइज हो और अगर मैं लकी हूं मैं नॉन स्ट्राइकर में हूं तो मैं बच गया, वरना 2 विकेट तब तक गिर चुका होता। और नए बॉल में क्या है कि नए बॉल में हम लोग जब भी, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतने आगे हो गए हैं कि हम वीडियोस इतने देख के आते हैं सामने वाले टीम का कि एक बॉलर आया है, ये बॉलर का क्या है कि ये कन्वेंशनली क्या करता है ना, आउटस्विंग करता है, तो चलो ठीक है नया बॉल में ये आउटस्विंग ही करेगा तो उसको नेगोशिएट हम लोग करेंगे, कोई इनस्विंग करता है तो उसको इनस्विंग ही आएगा, उसको नेगोशिएट करेंगे। लेकिन पुराने बॉल पे कब क्या होगा किसी को आइडिया नहीं है। तो यही है कि बीइंग अ बैटर जितना क्लोजली हम एक बॉल को वॉच कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास कोई एक नहीं है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आके ये नहीं बोल देगा कि भाई तुम ऐसे करके बैटिंग करो तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं है। बैट्समैन के लिए सबसे बेस्ट फंडामेंटल है वीरेंद्र सेवक का, वॉच द बॉल हिट द बॉल। तो हिट द बॉल दैट इज डिफरेंट, मैं इसको लिया हूं कि वॉच द बॉल, वॉच द बॉल कर करके जब तक आप बैट में फील करोगे और समय आएगा हिट करने के लिए तब आप हिट करो। जी बिल्कुल आपने सही। लेकिन हमने मोहम्मद सामी को देखे हैं जो सीम के साथ गेंदबाजी करते हैं, जब उनका सीम गिरता है यानी कि मतलब उससे बेहतर शायद, उनसे बेहतर शायद कोई सीम से गेंदबाजी करे, मैंने शायद देखा नहीं है। लेकिन एक बबल सीम भी होता है, और क्या उस पर फर्क है जो क्रॉस सीम से गेंदबाजी करते हैं या फिर जो भी गेंदबाज हो जो सीम से गेंदबाजी, सीम से क्या फायदा मिलता है और क्रॉस सीम से क्या फायदा मिलता है? देखिए सीम बॉलिंग में फायदा यह है, सीम बॉलिंग में जैसे कि बॉल का जो सीम है वो अगर ऐसा रहा तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ ये आउटस्विंग होगा, ये रहा तो अंदर होगा। सीम बॉलिंग में जब उसका मोहम्मद शमी का हिट होता है, वो हिट द डेक बॉलर है, वो विकेट को बहुत अच्छा हिट करते हैं, तो हिट करने के बाद अगर स्विंग नहीं हो रहा है, गिरने के बाद यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा वो बैट्समैन को पता नहीं, इवन शमी को उनको पता होगा कि वो क्या कराने का कोशिश कर रहे हैं। और वॉबल सिम में क्या होता है, वॉबल सिम में बॉलर को भी पता नहीं बॉल गिरने के बाद कहाँ जाएगा, बॉल गिरेगा ऐसे करके, गिर के अंदर जाएगा, गिर के बाहर, अगर बॉलर को ही नहीं पता कि बॉल कहाँ जाने वाला है तो बैट्समैन को कहाँ से पता चलेगा। लेकिन वॉबल सिम में परफेक्ट बॉलिंग करना वो बहुत टफ है, एंड इवन सीम बॉलिंग में भी डेक को हिट करके जैसे शमी भाई करते आ रहे हैं इतने दिनों से, वो भी बहुत टफ है। वरना ऐसे आप जितने भी ग्रेट्स ले लीजिए, सीम में प्रॉपर सीम में जेम्स एंडरसन बॉल डालते हैं, लेकिन वहीं आप स्टुअर्ट ब्रॉड को लेंगे वो वॉबल सिम में बॉल डालते हैं, ठीक है। और वॉबल सिम में आजकल थोड़ा ज्यादा चालू हुआ है, नहीं तो पहले अगर आप पहले के जमाने में थोड़ा सा जाएंगे तो ग्लेन मैग्रैथ है जो वॉबल सिम में डालते थे एंड ही वाज टू एक्यूरेट। यस चलिए, हमने जो जानना था आपसे ये हमने जान लिया है और पता कर लिया है कि क्रिकेट की जो भूख था आपके अंदर कितना था बचपन से लेकर अब तक। अब थोड़ा सा आपके फैमिली के ऊपर आते हैं, फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन है घर पे, और सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी का नाम हम जानना चाहेंगे। पापा का नाम भक्ति रंजन पोदार है और मम्मी का नाम रेखा पोदार है। हमारे घर में हम अभी टोटल 6 लोग हैं बड़े, और एक मेरी भतीजी है और कुछ पेट्स हैं बस। सबसे पहले क्रिकेट वाणी फैमिली की तरफ से आपके माताजी और पिताजी भक्ति सर और रेखा मैडम को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत सारा अभिनंदन भी मैं देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो लाडला को जन्म दिया है वो उड़ीसा का नाम बहुत ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। और आज के डेट पे शायद आपके पापा का नाम से ज्यादा आपके नाम से आपकी पापा का पहचान हो रहा है, और इसी को आप बरकरार रखें और भगवान के पास दुआएं रहेगी कि हमेशा आप सही सलामत रहो, आपके परिवार के साथ आप हमेशा मुस्कुराते रहो, यही हमारे दुआएं रहेगी। और क्या सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा, फैमिली को पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब आप खेलना शुरू किया, मम्मी का तो आपने परमिशन ले लिया, पापा को कब पता चला? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट मेरे फैमिली ने वेरी इनिशियल पीरियड से ही बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा। जब मैं क्लास 8 पे था, जब मैं दूर जाना चालू किया तो एक दिन जब रात के इतने लेट हो गए तो पापा बोले कि बच्चा रात को इतना दूर कहाँ गया है साइकिल लेके, कब आएगा? तो मैं जब आया मेरे को पापा बोले नहीं नहीं तेरे को कहीं नहीं जाने का, तो उनको भी पता नहीं था कि ये एक्चुअली सीरियसली देख रहा है कुछ खेलने के लिए, सीरियसली सोच रहा है आगे जाने के लिए। तो कुछ ही एक हफ्ते में मैं गया
एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, वहाँ पे जब अच्छा किया, पेपर में नाम आया, तो पापा देखे तो तब उनको लगा कि हाँ ये अभी थोड़ा सीरियसली कुछ सोच रहा है करने के लिए, तो तब से जो सपोर्ट है आज तक अभी तक है। जी, और एक सवाल, चलिए पापा हमारे जो क्रिकेट प्रेमी है वो अपना सवाल रख सकते हैं, बीच बीच पे मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन अब आते हैं हम रैपिड फायर राउंड, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे, क्रिकेट वाणी क्लास इस राउंड का नाम, और इसमें जी थोड़ा सा समय आपको कम मिलेगा और उस समय के अंदर आपको जवाब देना है। पहला सवाल क्रिकेट वाणी क्लास पे, सचिन तेंदुलकर का टेस्ट का जब आप आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो उन्होंने लगभग कितना रन बनाया है और उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है, टेस्ट का आंकड़ा उठाकर जब सर्वाधिक आप देखेंगे। सर्वाधिक को स्कोर शायद 244 है, और 244 या लगभग टू उन्होंने फोर्टी सिक्स कितना, कुछ टू उतना, फोर्टी एट 248, 248 नॉट आउट, हाँ 248 यस, रन है, और करीब लगभग कितना रन, उनका वो 15,000 प्लस रन है, कुछ 15,900 950 रन है उनका, 16,000 रन नहीं बना पाए थे जी जी इतना पता है मेरे को। 15,921, अच्छा 15,921 रन आपने जो बताया वो सही बताया, लगभग आपने ये जो सवाल था उसका सही जवाब आपने दिया। जब आप देखते हैं टेस्ट क्रिकेट को उठाकर, तो फिर सबसे सफल कैचर विकेट के पीछे, मतलब सबसे बेहतरीन विकेट कीपर जिन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं, उस विकेट कीपर का नाम क्या है? टेस्ट में सबसे ज्यादा कैचेस एज ए विकेट कीपर शायद एडम गिलक्रिस्टी होंगे या फिर मार्क बाउचर। जी नहीं, यस यस, सेकंड इज राइट, मार्क मार्क बाउचर, हाँ बाउचर, मार्क बाउचर। 532 कैच, 532 कैचेस, वाओ, मार्क बाउचर विकेट के पीछे आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। चलिए अब किस गेंदबाज ने इंडिविजुअली सबसे ज्यादा विकेट एक पारी पे चटकाया है, यानी कि वो ओडीआई इस फॉर्मेट पे किस गेंदबाज के पास सबसे ज्यादा विकेट, हमने देखा था अनिल अनिल कुंबले को जिन्होंने टेस्ट पे एक पारी पे 10 विकेट चटका लिया था, लेकिन वनडे पे सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला गेंदबाज कौन है और कितना विकेट चटकाया था? एक एक इनिंग में, हाँ एक इनिंग में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट, एक हिंट दूं आपको कि एशिया हाँ का बताइए। प्लेयर है, इतना बता सकते, एशिया का प्लेयर है और एक नामी दामी गेंदबाज थे। एशियन प्लेयर, जी अच्छा एशियन प्लेयर नामी दामी गेंदबाज है। अभी हाल ही में तो एक स्टुअर्ट बिनी ने कुछ 6 विकेट लिया था, जी नहीं, और चामिंडा वास, चामिंडा वास, चामिंडा, लेट ना करते अच्छा हुए मैंने आपको बता दिया, 8 ओवर का उन्होंने स्पेल डाला आठ, था, 3 ओवर उन्होंने मेडन लिया था, 19 रन देकर उन्होंने 8 विकेट चटकाया था, और निश्चित तौर अच्छा पर ये सबसे बड़ा। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू करते हुए किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है, जिन्होंने बहुत बड़ा महारथी हासिल किया था, डेब्यू पे किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है, बैंग बैंग जैसे गेंदबाजी उन्होंने किया था, टेस्ट क्रिकेट कुछ या वनडे सोच क्रिकेट? ऐसे, वनडे 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 पे डेब्यू करते हुए उन्होंने सबसे बढ़िया गेंदबाजी की थी, और कुल मिलाकर उन्होंने ज्यादातर विकेट चटका ली थी, कुल मिलाकर 6 विकेट उन्होंने चटकाया था, 8 ओवर का स्पेल भी उनका था, और सिर्फ उन्होंने 12 रन खर्चा किया था, अपने 16 रन खर्चा किया था, 3 ओवर उन्होंने भी मेडन लिया था। गेंदबाज बहुत होनहार है, और गेंदबाज का नाम आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंदू, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी है वो, साउथ अफ्रीकन है। अच्छा डेब्यूटेंट डेलस्टेन, डेब्यूटेंट नो काबिसो रबाड़ा, अच्छा रबाड़ा ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी अपने डेब्यू मैच पे। चलिए 26 फरवरी 2015, एक ऐसा मुकाबला
जहां पे वेस्ट इंडीज के दो बल्लेबाजों ने मिलकर सबसे बड़ा पार्टनरशिप बनाया था। उस दोनों बल्लेबाज का नाम हम जानना चाहेंगे जिन्होंने 372 रन बनाया था, सबसे बड़ा पार्टनरशिप ओडीआई इसको आप जब भी उठाकर देखते हैं। वेस्ट इंडीज सामने पे था जिम्बाब्वे, 26 फरवरी 2015 का ये कहानी है। 372 रन कुल मिलाकर इन्होंने बनाया था। सैमुअल सर, मैंने तो नाम एक ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन और एक बल्लेबाज का नाम आपको लेना है। सैमुअल्स थे, लेकिन उनके साथ कौन था? अच्छा, मार्लॉन सैमुअल्स के साथ 2015 वर्ल्ड कप का मैच था क्या? वर्ल्ड कप शायद मेरे को पता नहीं, लेकिन आप सोच लीजिए, शायद हो सकता है 2015 हो तो वर्ल्ड कप। हाँ, तो क्रिस गेल ही हो सकते हैं, और क्या? जी बिल्कुल, क्रिस गेल, आपने सही फरमाया। लास्ट क्वेश्चन, आप रणजी क्रिकेटर हैं, रणजी खिलाड़ी हैं, तो ये सवाल का जवाब दीजिए। बड़े बड़े खिलाड़ी जो इस सवाल का जवाब शायद उनको पता ही ना, क्या आपको पता है रणजी का शुरुआत कब से हुआ था? कौन सा वो साल था, कौन सा वो ईयर था जब से रणजी क्रिकेट का आगाज हुआ था? आपको ऑप्शन दे दूं, 1934, 1943 और 1945। 34, 43, 45, उसमें से एक आपको चूज करना है। 34, 43 और 45। 1934, 1945, 43। नहीं, उसको उल्टा कर लीजिए, 34। और यही सवाल आपने पूछा था रश्मि रंजन परिडा से, उन्होंने भी गलत जवाब दिया था। चलिए कोई बात नहीं, अब ये जो रैपिड फायर राउंड था, आपने लगभग मतलब इस राउंड को जीत लिया। थोड़ा सा और दो तीन चीजें आपके बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट मैच आपने खेला था 2022 6 तारीख को, शायद कौन सा वो महीना था, शायद मेरे को अभी अभी वो मैच हुआ था ओडिशा वर्सेस मुंबई के बीच में, जो आपका लास्ट मैच था। कुछ याद है, कुछ शेयर करना चाहेंगे उस मैच के बारे में? हाँ, याद है काफी। अहमदाबाद में हम खेल रहे थे मोटेरा स्टेडियम में, एंड हम वो मैच हार गए बॉम्बे के साथ। एंड फर्स्ट इनिंग में कुछ मैं 37 रन शायद बनाया था, सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गया था। और मतलब वो इस साल तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस होने नहीं वाले थे, एंड टाइम में हुआ, प्रिपरेशन के लिए भी टाइम ठीक ही मिला था, देन अगेन बंद हो गया था प्रिपरेशन, सिर्फ 3 ही मैच हुए। एंड ये सीजन भी कुछ हम अच्छा खास किए नहीं, एज ए होल टीम आप देखेंगे तो हमने कुछ किया नहीं। एक मैच हम पॉइंट लिए और 2 मैच हम हार गए। तो अभी सीजन फिर से आ जाएगा, बिकॉज लास्ट 2 साल में कोविड के चलते बहुत इधर उधर, तो प्रिपरेशन अभी जारी है और कुछ दिन में फिर से हमारा कैंप वगैरह सब चालू हो जाएगा, एंड हम और अच्छे से मेहनत करके कमिंग सीजन के लिए प्रिपेयर करेंगे। जी, थोड़ा सा T20 के ऊपर नजर डालते हैं। आपने डेब्यू किया था त्रिपुरा के सामने, और 17 मार्च 2013 T20 पे डेब्यू, और आप जो लास्ट मैच खेले थे 2021 पे नवंबर 8 तारीख को पंजाब के खिलाफ, तो T20 पे शायद आपका आंकड़ा, जो स्ट्राइक रेट के ऊपर मैं नजर डालूंगा तो बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट है, लगभग 125 का, 7 हाफ सेंचुरी आप जड़ चुके हैं और 64 रन आपने आपका जो हाई स्कोर है, तो क्या बताना चाहेंगे T20 पे और भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट को देखते हुए बहुत सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है। और हमने रजत पाटीदार के बारे में बात किया था पिछले कुछ दिनों पे, जिस हिसाब से उन्होंने एलिमिनेटर पे शतक जड़ा, शायद उनको ऑप्शन पे कोई लिया भी नहीं था, लेकिन बेंगलोर ने लिया और उन्होंने कमाल करके दिखाया था। क्या T20 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए इस समय यंगस्टर को? मैं पर्सनली बोलूंगा तो मैं उतना T20 का फॉर्म में तो पहले से ही कभी भी नहीं रहा, और मेरा वो स्टाइल भी नहीं है, बैटिंग स्टाइल भी मेरा वैसा नहीं है।
लेकिन कुछ आज के डेट में, आज से कुछ 4-5 सालों में T20 का स्तर कुछ और ही अलग लेवल पे चल गया है। जिस लेवल पे आज के डेट में जो प्रिपेयर कर रहे, जो नए यंगस्टर्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पावर हिटिंग पे ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं इसका रैदर देन कि वो, हाँ, रैदर की रेड बॉल क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देने से। जो मैं देखते हुए आ रहा हूँ, जो भी एकेडमीज में मैं देख रहा हूँ, प्लेयर्स जो जिस तरीके से वर्क एथिक्स पे काम करते हैं, अपना स्किल को जैसे डेवलप करने का, वो पावर हिटिंग पे ज्यादा फोकस है। एंड कहीं ना कहीं आज के जी डेट में आप अगर ऐसे भी देखोगे तो कई हद तक इंडिया के लिए सिलेक्शन भी IPL से ही हो रहा है, राइट? तो जी कहीं ना वो कहीं ना कहीं मैं उतना फॉर्म में तो कभी भी T20 क्रिकेट को, T20 क्रिकेट एज ए प्लेयर तो हम खेल ही रहे, लेकिन उतना कभी गौर नहीं किया कि हाँ IPL खेलना है और कैसे IPL में पहुंचना है, कभी भी मेरा वो माइंडसेट रहा ही नहीं। और लेकिन अभी अभी आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे जितने यंगस्टर है कि वो T20 पे ज्यादातर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और जहां पे नहीं उनको मौका मेरा मिला नहीं IPL मैं खेलने कभी का। नहीं मेरा मेरा एडवाइस ऐसा नहीं रहेगा कि आप T20 पे ज्यादा ध्यान दें और T20 पे ही ज्यादा परफॉर्म करें। नहीं, आप अपना पूरा जो जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं उस क्रिकेट उस तरीके से खेलिए, अपने आप को वैसा ग्रो कीजिए। बिकॉज परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे विराट कोहली आप ले लीजिए, KL राहुल ले लीजिए, ये लोग ऐसे प्लेयर हैं जो अक्रॉस ऑल द 3 फॉर्मेट्स के कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं। कहीं से भी उठाएंगे आप, रोहित शर्मा को ले लीजिए और केन विलियमसन को ले लीजिए, स्टीव स्मिथ को लीजिए, ये लोग कहीं ना जी कहीं से आते हैं और टी तीनों ट्वेंटी तीनों में फॉर्मेट टी ट्वेंटी तीनों फॉर्मेट अच्छा खेलते हैं। तो आप अपने जी। आप को मैंने वैसा प्रिपेयर कीजिए। ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि T20 के ऊपर ज्यादातर मतलब लोगों का दिमाग भी जा रहा है और खिलाड़ियों का बहुत सारे खिलाड़ी जो T20 को ज्यादातर फेवर कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार पे जो लाल बॉल का क्रिकेट होता है जो आप टेस्ट मैच खेलते हैं उससे वो शायद अल्टीमेट बेहतर क्रिकेट है, क्रिकेट अल्टीमेट क्रिकेट है। राइट? क्या वहां से वो जो टैलेंट है थोड़ा सा हर हर स्टेट पे शायद वो थोड़ा थोड़ा खिलाड़ी को गवा रहे हैं ये जो T20 फॉर्मेट जब से आया है। गवा रहे तो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज देखिए आप अगर T20 में अच्छा भी कर रहे थे, ऐसा कोई आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप रेड बॉल क्रिकेट अच्छा करेंगे। लेकिन जो प्लेयर अच्छा है वो हर एक फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है। आपने जैसा बोला रजत पाटीदार का बारे में, वो अभी लाइमलाइट पे आया, जैसे कि प्लेऑफ से पहले वो एक मैच में 100 बनाया, लास्ट मैच में भी उसने रन बनाया, लेकिन आप सिर्फ वही दो मैच देख रहे हैं। अगर आप उसका टोटल बैकग्राउंड देखेंगे, वो रेड बॉल में भी हीरो है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो रेड बॉल का, एंड इवन वनडे जी व्हाइट बॉल के लिए भी बहुत अच्छा प्लेयर है उसका। आप अगर स्टैट्स देखेंगे, और मैं उसको बहुत पर्सनली भी बहुत अच्छा अच्छे अच्छे तरीके से जानता हूँ, और उसका आप देखेंगे, अगर उसका गेम देखेंगे आप, सब तो अभी IPL से जी देख के सबको ये सोच रहे होंगे कि नहीं बहुत टैलेंटेड है। अगर आप नॉर्मल रणजी ट्रॉफी के भी मैच देखेंगे, उसके लिस्ट ए के भी, विजय हजारे के मैच देखेंगे, तो आप बहुत इंप्रेस होंगे, बिकॉज उसका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही अच्छा है। एंड इसीलिए देखिए आप, जी वो ऐसा नहीं है कि आया और 100 बना दिया मार मार के, और वो जो 100 बनाया है उस इनिंग्स को भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ, वो अपना पूरा इनिंग्स को ग्राफ किया और 100 बनाया है, जी और इसके आईपीएल उसके पे ये आपका सीजन भी फेवरेट अच्छा टीम, रहा। जी आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम हम जानना चाहेंगे। आज आईपीएल नहीं का कोई भी फाइनल टीम, है। नहीं कोई भी टीम मेरा फेवरेट नहीं है। एक टीम को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, वो है मैन इन येल्लो, क्योंकि मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। चेन्नई सुपर किंग को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, जी एंड हम उसी लकीली उसी चलिए हमारा जो प्लेयर है वो भी चेन्नई सुपर किंग में ही था। आपका आइडियल क्रिकेटर शायद वही महेंद्र सिंह धोनी होंगे या फिर और कोई। महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था, करता हूँ भी। आज के डेट में उनको खेलते हुए नहीं देख पाते, लेकिन मैं उनको पूरा फॉलो किया हूँ, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ NCA के लिए आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए खेल चुके हैं जो राहुल द्रविड़ वहां पे हमेशा से थे। क्या था वो समय कैसा था फिर आपने ब्रॉड ब्रॉड प्रेसिडेंट 11 जहां पे आपको मार्कस स्टोइनिस ने आउट किया था तो 5 रन आप सिर्फ बनाए थे 9 गेंदों का सामना करते हुए ऑस्ट्रेलिया का वो टीम आया था जब भारत। एक बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो ब्रॉड प्रेसिडेंट 11 जो मैचेस होता है शायद वहां से चयन चयन होता है डायरेक्ट इंडियन टीम तो वहां तक आप पहुंच गए थे और NCA के लिए भी आप खेल चुके हैं। तो फिर उस दौर पे
कैसा चल रहा था वो समय आपके लिए, क्या बताना चाहेंगे? एनसीए पे आप जब ज्वाइन किए ब्रॉड स्पेसिफिकली 11 के लिए आप जब खेले? जब सबसे पहले मैं आपको एक जगह रेक्टिफाई कर देता हूँ, मार्कस टोनिस ने आउट नहीं किया था, एस्टन एगर ने आउट किया था और मैं 5 बॉल खेला था और 0 रन बनाया था, ठीक है? और उस मैच पे मैं नंबर 8 गया था बैटिंग करने, नंबर 8, और वो एक बहुत अच्छा अनफॉर्चुनेटली मैं रबी एनसीए के लिए जो भी सिलेक्ट होता है वो 1.5-2 महीना जो बैंगलोर में रह के प्रिपेयर उनको जो सिखाते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जब एनसीए में था तब राहुल द्रविड़ खुद आके प्रैक्टिस करते थे एंड उस समय चीफ कोच थे वहां पे हमारे भरत अरुण सर, जो हमारे इंडिया टीम के फास्ट बॉलिंग कोच भी थे अभी रिसेंटली, भरत अरुण सर ये लोग थे। तो आपको वहां पे कोई भी एक चीज को स्पेसिफिक चीज नहीं सिखाते, आप जैसे भी आते हैं आपको उसी पोस्चर में आपका जैसा भी टेक्निक है उसी पे आप कैसा मोर एडवांटेज ले सकते हैं वो लोग वो चीज सिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत जाना है कि सब सोचते हैं कि एनसीए जाने से सब बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं है। एनसीए जाने से सब कोई का जो आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत चीज सीखता है, कैसा हर एक चीज को टाइम मैनेजमेंट में कैसे लाया जाता है एंड वो बहुत अच्छा बेस्ट प्लेस है। और उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है बिकॉज एनसीए में सिलेक्ट होने के लिए आपको स्टेट क्रिकेट में काफी रन बनाना पड़ता है नेशनल लेवल में। जी बिल्कुल, चले यहाँ पे हमारा सवाल का सिलसिला खत्म होता है, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं शायरी राउंड पे। मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। पहला शायरी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि बूझी सामा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है, होकर मायूस यू ना बदल अपनी इरादे को, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकती है। और आपने अपना किस्मत को बदल दिए हैं, आप चमक चुके हैं। कि हौसले की तरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, कि हौसले के तरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रख। जो आपने उम्मीद को जिंदा रखा था जिस वजह से आपने वो मुकाम को हासिल किया, कि बेहतर से बेहतरीन होने का तलाश करे, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए उसे शीशे की तलाश करे, उसी ने वो शीशा को तलाश किया है जिसका नाम है गोविंदो पोदार। ओडिशा टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा शीशा जो पत्थर को भी तोड़ सकता है उसका नाम है गोविंद सार। कहते हैं कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने की मजा ही कुछ और है। जब आप हार जाते हैं ना तो फिर हार से सीखना चाहिए, हार से कभी भी आप खापा होना नहीं चाहिए, हार से आप कैसे सीख कर आगे बढ़ सकते हैं उसका एग्जाम्पल हमारे सामने गोविंद पोदार साहब बैठे हैं। कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख, हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। वो निगाहें जो नजर था आपने उसको जिंदा रखा था, कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाता है। तो दिशा को आपने बदला और किनारा खुद ब खुद बदल गया। कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतना कर दो कि भगवान देने पर मजबूर हो जाए। आपने इतना कोशिश किया जहां पे भगवान देने पर मजबूर हुआ। आखिरी मेरा जो शायरी जो लोगों को बहुत पसंद आया है, महेंद्र सिंह धोनी आपका आइडियल क्रिकेटर, आप उनको बहुत फॉलो करते हैं, उन्हीं के ऊपर एक शायरी लिखा गया है कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी, हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। थैंक यू सो मच गोविंदो पोदार जॉइन मी हियर, और आपके साथ बातचीत करते हुए बहुत मजा आया। शायद अभी नेटवर्क खत्म हो चुका है इस वजह से, लेकिन हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर हम जमकर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और
like this video, subscribe this channel, please notify. Thanks for watching.